हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल नंबर 9 और आज करने वाले हैं 10 एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर ₹35,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, उदय क्या कर रहा है, गुड्स परचेस कर रहा है किससे, मिस्टर शंकर से ऑन क्रेडिट। ऑफ कोर्स क्रेडिट पे ही होगा। 35,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 35,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट 3,500 हुआ। माइनस करने के बाद 30,500 मेरा अमाउंट बचा, 31,000। ठीक है, 31,500 जो कि मेरा बैलेंस बच रहा है। ठीक है, उदय पेड 1,500 इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्ट अ बिल फॉर 3 मंथ बिफोर ड्यू डेट। उदय अप्रोच शंकर विद रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। शंकर अग्रीड बट विद कंडीशन दैट उदय शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 मंथ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। क्या हुआ, 1,500 क्या कर रहा है, उदय इमीडिएटली पे कर दे रहा है यानी कैश दे रहा है, और बैलेंस का जो बचा हुआ उसका क्या बना रहा है, चेक बना रहा है, यानी कि 1,500 और पे कर दे रहा है। 31,500 में से कैश दे रहा है, बराबर बचा कितना 30,000, जिसका क्या बनेगा, बिल बनेगा। और ये 1,500 मेरा कैश हो गया और 3,500 ऑलरेडी मेरा क्या है, टीडी, यानी कि मेरा जो परचेस करने का अमाउंट है, गुड्स परचेस करने का, वो 31,500 है, मैं 35,000 को भूल जाऊंगी। ठीक है, बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट आने से पहले उदय ने क्या किया, अप्रोच किया शंकर को कि भाई बिल को एक काम करो, रिन्यू कर देते हैं, मैं पे नहीं कर पाऊंगा शायद। तो शंकर अग्रीड हो जाता है, लेकिन बोलता है मेरे को क्या चाहिए, 12% पर एनम चाहिए, इसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट चाहिए जो भी बैलेंस बच रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्री बना रही इन द बुक्स ऑफ शंकर, यानी कि हमारे ड्रॉवर के बुक में। ये हमारा कौन है, ड्रॉवर, और उदय परचेस कर रहा है, यानी हमारा कौन हो गया, ड्रॉय। ठीक है, तो आगे हम अपना सम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा किसका एंट्री आएगा, शंकर के बुक में सेल्स का एंट्री। तो हम लिखेंगे उदय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 31,500, 31,500 10% टीडी के अकॉर्डिंग, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा आएगा बिल की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,000 मैंने बताया, 31,500 मेरा क्या है, बिल है, अरे सॉरी अमाउंट है जिसपे मैंने परचेस किया है, सॉरी उदय ने परचेस किया है यानी शंकर ने सेल किया है, जिसमें से 1,500 मेरा कैश में चला जा रहा है, बचा कितना 30,000, करेक्ट। और टोटल कितना है उदय का, 31,500, मेरा बिल कितने का, 30,000। आप ये भी कर सकते हो कि दो बार एंट्री कर सकते हो, पहला बिल रिसीवेबल टू उदय अकाउंट 30,000, 30,000 कर सकते हो, और जो कैश का एंट्री है, कैश अकाउंट टू उदय अकाउंट। ठीक है, 1,500, 1,500, तो मैंने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, आप अगर मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यहाँ पे उदय अकाउंट 30,000, तो आप ऐसे भी कर सकते हो सेपरेटली। नेक्स्ट, उदय के बाद बिल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, उदय अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक उल्टा एंट्री हो जाएगा, बिल कितने का है, 30,000। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे हम उदय अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हम निकालेंगे 900। कैसे हम इंटरेस्ट देख लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट कैसे आएगा, हमको क्वेश्चन में बोला क्या, 12% पर एनम और 3 मंथ के लिए, मेरा अमाउंट कितना है, 30,000, बिल का अमाउंट 30,000 इंटू 12%, 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 एंड 12 कैंसिल, 00 से ये 00 कैंसिल। ठीक है, 300 इंटू 3 यानी कि 900, करेक्ट। पता चला इंटरेस्ट कैसे आया, तो हम देख लेते हैं हमारा इंटरेस्ट, उदय अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट 900 900, यहाँ पे कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं दिया है, तो उसके बाद डायरेक्टली हम नए बिल की एंट्री करेंगे, बिल रिसीवेबल टू उदय अकाउंट 30,000 प्लस 900, इसमें क्या है, न्यू बिल का अमाउंट यानी जो भी बचा हुआ अमाउंट था 30,000, तो पूरा का पूरा है, और 900 क्या है, इंटरेस्ट के साथ में हमको नया बिल बना के देना था, बराबर। तो ये मेरा हो गया जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शंकर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10। क्वेश्चन को रीड करेंगे, सागर ड्रॉन एन आफ्टर साइट बिल ऑन 21st नवंबर 2019 को सागर ने क्या किया, बिल बनाया 21,000 का एट 3 मंथ ऑन प्रसाद, प्रसाद के ऊपर, मतलब क्या, प्रसाद हमारा कौन है, ड्रॉई, और सागर ड्रॉ कर रहा है यानी ये हो गया ड्रॉवर, राइट।
The bill is discounted by Sagar at 10%, sorry, at 8% per annum with his bank. उन्होंने क्या किया, सागर ने लेके गया बिल और डिस्काउंट करा लिया बैंक से. ऑन मेच्योरिटी प्रसाद फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट. जब मेच्योरिटी का डेट आया यानी ड्यू डेट आया तो प्रसाद को लगा कि भाई मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करते हैं रिक्वेस्ट कर लेते हैं सागर को कि भाई रिन्यू कर दे. और सागर भी मान जाता है, लेकिन भाई एक कंडीशन रखता है कि क्या करना पड़ेगा, 1 month का ही बिल बनाऊंगा और 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद. मतलब क्या, 21,000 तो तुमको पे करना ही करना है और 750 का इंटरेस्ट भी मुझे पे करना है. समझ में आ रहा है? तो सागर डिपॉजिट द बिल इनटू बैंक फॉर द कलेक्शन. अब उसके बाद क्या हो रहा है, वो बैंक को कलेक्ट करने के लिए दे दे रहा है. फिर जो प्रसाद है वो ऑनर कर दे रहा है ड्यू डेट पे और बैंक चार्ज कर रही है 250 एज अ बैंक चार्ज. बराबर, हमको करना क्या है देख लेते हैं. जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सागर. सागर यानी कि हमको ब्रावर की बुक में जर्नल एंट्री हमारी बनानी है. प्रिपेयर सागर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद. और प्रसाद का हमको क्या बनाना है, बुक तो नहीं बनाना है लेकिन हमको सागर का अकाउंट जरूर बनाना है. ठीक है, चलो हम देख लेते हैं हमारा जर्नल एंट्री. सबसे पहला हमारा जर्नल एंट्री आएगा बिल का ही. ठीक है, बिल रिसीवेबल टू प्रसाद अकाउंट डेबिट 21,000 21,000. नेक्स्ट हमने क्या कर रहा है, बैंक को डिस्काउंट करा रहे हैं, बैंक से डिस्काउंट करा रहे हैं. कितने का क्वेश्चन में रीड कर लेते हैं हम. कहा गया हमारा, हाँ क्या कर रहे हैं, 8% पर एनएम पे. तो हम डिस्काउंट निकाल लेंगे 21,000 इंटू 8% डिवाइड बाय 8/100. कितने मंथ के लिए भाई, 3 month के, 3/12. ठीक है, 3 1 3 3 4 12 4 2 8 00 से 00 कैंसिल 8 0 8 1 8 sorry 2 यहाँ पे आएगा ना, 2 0 0 2 1 2 और 2 2 4 यानी कि मेरा 420. ठीक है, तो हम जाते हैं नेक्स्ट. यहाँ हमारा डिस्काउंट वाला एक बार देख लेते हैं. 420 हमारा डिस्काउंट. बैंक में जो बैलेंस अमाउंट आया टोटल बिल कितना था, 21,000. यानी 21,000 माइनस 420 करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो मेरा बैंक में जाएगा. ठीक है, फिर क्या हुआ, बिल कैंसिल हुआ क्योंकि क्या हो गया था, प्रसाद अपने आप को क्या पा रहा था, अनेबल पा रहा था कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो वो रिक्वेस्ट करता है. तो पहला क्या होगा, मेरा बिल कैंसिल करने की एंट्री. ठीक है, फिर क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट की एंट्री, अगर कोई पार्ट पेमेंट है तो पार्ट पेमेंट की एंट्री, फिर नए बिल की आती है. ठीक है, तो पहला मेरा कैंसिलेशन का एंट्री होगा. ड्रॉवर की बुक है तो मैंने बताया डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट दो बार डेबिट डेबिट होगा. किसका, प्रसाद का नाम यानी ड्रॉई का नाम. ठीक है, एक बार ऑलरेडी हो गया. टू बैंक अकाउंट 21,000 21,000 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट किया था और बैंक के पास था. ठीक है, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं, तो नोटिंग चार्जेस ऐड नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा इंटरेस्ट का अकाउंट आएगा. प्रसाद अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट अगेन डेबिट 750 750. करेक्ट, हमारा नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल अकाउंट टू प्रसाद. कोई पार्ट पेमेंट नहीं है, हमको नए बिल की एंट्री डायरेक्ट करनी है. इसमें 21,000 प्लस सॉरी 21K और प्लस 750 मेरा क्या है, इंटरेस्ट का है. बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट. हमने आ रहा है यहाँ पे लिख सकते हो आप विथ इंटरेस्ट. नेक्स्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट. फिर क्या हो गया, तो शंकर भाई साहब उन्होंने क्या किया, बिल को सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए बैंक के पास. तो 21,750 जो बिल का अमाउंट है, बिल जा रहा है इसलिए टू बिल रिसीवेबल ऑनर हो जाएगा. तो क्या होगा, 27th मार्च को. अच्छा ड्यू डेट हमने नहीं निकाला, हम ड्यू डेट बता देती हूँ मैं आपको. हमारा क्या था, 21 नवंबर था. ठीक है, तो प्लस 3 month हमको क्या करना था, ऐड करना था. यानी कि हमारा 3 month नवंबर टू दिसंबर, दिसंबर टू जनवरी और जनवरी टू फरवरी. फरवरी में 3 month कंप्लीट हो रहे हैं 21 फेब को, और प्लस 3 days हम ग्रेस के डालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 फेब हो जाएगा. अब उसके बाद में मेरा नेक्स्ट ड्यू डेट 1 महीने का है, मेरा ऑनर करने का 1 महीने का मिला है 24 फेब से. तो मेरा मार्च में 1 month कंप्लीट हो जाएगा 24 को, तो 27 फेब. ठीक है, ये मेरा 27th of March में मेरा कंप्लीट हो जाएगा. 27th of March जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट. करेक्ट, बैंक अपना चार्ज लेगी. टू सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 21,500 और 250 जिसमें से बैंक ने रख लिया. 21,750 का मेरा बिल था, 250 बैंक चार्जेस,
डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शंकर के लिए क्या है एक्सपेंस है और 21,500 मेरे बैंक के खाते में आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये हमारी जनरेटिव थी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए। अच्छा, इसमें हम लोग को एक और चीज करना था कि टू बिल्स पेबल अकाउंट हमको इन द बुक्स ऑफ, एक मिनट, हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, एक मिनट इरेज कर लेते हैं। हमको लिखना है इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन में हमको किसका बुक बनाने बोला है देख लेते हैं। हमको क्या बोला है, इन द बुक्स ऑफ प्रसाद हमको सागर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ प्रसाद अकाउंट किसका, सागर का। ठीक है, तो एज अ प्रसाद यानी एज अ ड्रॉई हम सोचेंगे। सबसे पहले हमारी बुक में किसकी एंट्री आएगी, बिल्स एक्सेप्ट करने की एंट्री आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उससे भी पहले हमारा एक और जनरल एंट्री आएगा। क्या पता है, जनरल एंट्री नहीं, आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कह सकते हो। जैसे अगर मेरा ड्रॉई का बुक बना रही हूँ मैं, ठीक है, सागर अकाउंट, सागर क्या है, ड्रॉवर है, और बुक किसकी है, प्रसाद यानी ड्रॉई की। तो हम क्या करेंगे, अपने डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो बिल का अमाउंट रहेगा 21,000। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन, अगर सेल और परचेज रहता, ठीक है, अगर सेल और परचेज रहता तो हम लोग सेल और परचेज की एंट्री कर देना। यहाँ पे नाम आता परचेज टू सागर, तो मैं लिखती यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट, करेक्ट 21,000। तो यहाँ परचेज सेल में हम लोग डायरेक्टली बिल्स की एंट्री कर रहे हैं, मतलब बिल्स ड्रॉ करने से एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर सेल और परचेज है तो आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सेल और परचेज नहीं है तो आपको बाय बैलेंस टू बैलेंस, अगर यही ड्रॉवर का अकाउंट रहता तो यहाँ पे आप लिखते, सॉरी बुक अगर ड्रॉवर का रहता तो। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे, जो मेरी जनरल एंट्री क्या होगी, सागर अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट 21,000 सबसे पहला। उसके बाद में बिल ड्रॉ करने के बाद बिल कैंसिल करने की एंट्री आएगी, तो बिल कैंसिल होगा तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा बाय बिल्स पेबल अकाउंट टू सागर अकाउंट, यहाँ आएगा। ठीक है, 21,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट, अगेन इंटरेस्ट अकाउंट उससे पहले आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट हमारा 750 टू सागर अकाउंट, फिर बिल क्या होगा, बिल की एंट्री आएगी टू बिल्स पेबल अकाउंट और सागर अकाउंट मेरा क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, अब तक तो आप सॉल्व करना जान ही चुके होंगे, 42,750 मेरा क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, यानी कि ये मेरा टोटल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट, इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो क्लिक द सब्सक्राइब बटन सो यू कैन रिसीव मोर कंटेंट लाइक दिस। और आपके जो भी डाउट रहेगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आपको और भी रिलेटेड सम होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।